कभी फूलों से कभी कलियों से मैंने खिलना महकना सीखा। मैंने देखा जो तुझको तो तुझसे चहकना सीखा। तो अपनी दोस्ती निभाओ और मुझे एक फेवर दो। कैसा फेवर? मैं थोड़ी देर तक फार्म हाउस के लिए निकलूंगी। थोड़ी देर और रुक जाओ। फैसल पागल मत बनो, डैड कभी कभी तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाते हैं, तो निकलो यहाँ से। थोड़ी देर रुक जाती हो। सबान संभाल के बात करो, वो माँ है मेरी। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे सब पता है, जो तुमने और तुम्हारी माँ ने रात को प्लानिंग किया ना मुझे फंसवाने के लिए। देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, और दूसरी बात ये कि मेरी माँ तुम्हारी फुफो लगती हैं, खून का रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ। भाड़ में गया ऐसा खून और ऐसा रिश्ता। सड़क पे चलते हुए किसी गैर पे भरोसा कर लूंगी, पर तुम माँ बेटी पे नहीं। एहसान फरामोश कहेंगे, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नौशीन बहुत हो गया, चली जाओ यहाँ से। निकलोगी तुम यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। जब तक मेरे बाबा का साया मेरे सर पर है, ये मेरा भी घर है। फिर रह लो यहाँ पे, जब तक मैं तुम्हें यहाँ रहने देती हूँ। गलती कर दी तुमने मुझसे टक्कर लेके। गलती तुमसे हुई है, अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय तुम हमें इल्जाम दे रही हो। डोंट यू एवर जज मी। तुमने मुझे मेरे बाप के सामने जलील करवाया, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने जलील करवाऊंगी। याद रखना मेरी ये बात, इट्स अ प्रॉमिस। कल इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो इस काबिल नहीं है कि उसका तस्करा दोबारा किसी के सामने किया जाए। इसीलिए मैंने कुछ फैसले किए हैं, तुम दोनों को इसी वजह से बुलाया मैंने। आप कुछ खा लें, आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं तुम्हें होगा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बताओ। मैं इसके कॉलेज का दाखिला मंसूख करा के आया हूँ, कल से इसका कॉलेज आना जाना बंद। हाँ लेकिन मेरी बात के बीच में मत बोलो, आज से ये कोई फोन यूज नहीं करेगी। डैड, डैड मेरी बात तो सुन ले। आज से इसका इस घर से जाना आना बंद हो गया है, ना कोई यहाँ आएगा ना ये कहीं जाएगी, दोस्तों से मिलने का सारा बहाना, ये ड्रामेबाजी खत्म। अगर कुछ बहुत जरूरी होगा तो वो घर में आके मिलेगा जब सब लोग मौजूद होंगे। अब अगर तुम दोनों को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। देखिए मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, लेकिन 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 कुछ नहीं, गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी इसको। डैड, डैड मुझसे गलती हो गई, मुझे बस एक लास्ट चांस। वो चांस तुम्हें लास्ट टाइम मैं दे चुका हूं। अब माफी के सारे मौके तुम गवा चुकी हो, मुझसे नरमी की कोई उम्मीद मत रखना। डैड, बगैर फोन बगैर कॉलेज इस घर में मेरा टाइम कैसे गुजरेगा? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा टाइम अब इस घर में ज्यादा गुजरेगा नहीं। मतलब? मतलब ये कि बहुत जल्द इसकी शादी कर दी जाएगी। डैड, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी, फैसला सुना है तुम्हें मैंने। ये आप नहीं कर सकते डैड, मेरी मर्जी से मेरी शादी होना मेरा राइट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज ये मेरा हाथ रुक गया, खबरदार जो अगली बार ये बात की मेरा हाथ नहीं रुकेगा, समझी तुम? अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आपसे कहा भी था आराम करें आप।
बेटा भाई जान आ गए, मैंने सोचा उनको चाय बना कर देता। अम्मी मुझे बता दिया होता मैं बना देती। हो कोई बात नहीं बेटा। तुम दोनों के दिलों में तो सकून आ गया होगा मेरी बेटी की ये हालत देखकर। मैं इस मौजू पे आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ तुम्हें तो इस मौजू पे बात नहीं करनी होगी, ये परफेक्ट प्लानिंग जो रही है तुम्हारी। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा ये परफेक्ट टाइमिंग कैसे रही बताओ ना जरा। मैं आपको कुछ भी बताऊंगी तो आपने कौन सा यकीन कर लेना है मेरा। जिन लोगों के दिलों में चोर होता है ना वो यही बोलते हैं। वो मानी आप बस कर दें, आपको पता है ना अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। तो असलियत सुनकर और खराब हो जाती है। वो मानी आप क्या चाहती हैं, आप क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं? जानना चाहती हूँ मैं क्या चाहती हूँ। सुकून चाहती हूँ इस घर में जो तुम दोनों के होते हुए मुझे नहीं मिल सकता। तो बताओ दे सकती हो? अफसोस होता है मुझे, किसी गैर पर इतना एहसान करते ना तो सारी जिंदगी एहसान मंद रहती। और एक तुम दोनों हो, हर वक्त मेरी बेटी के खिलाफ प्लानिंग करते रहते हो, साजिशें करते रहते हो। भाभी आप हम पर इल्जाम लगा रही। मैं कभी भी नौशीन का बुरा नहीं चाहती, और वो जो कुछ भी कर ले रहेगी तो मेरी भतीजी ही। झूठी हो तुम, जलती हो तुम। आयमा को वो नहीं दे सकी जो मैंने नौशीन को दिया है। जब मैंने तुम्हें हीरे का सेट दिखाया था ना तभी तुमने ठान ली थी कि तुम नौशीन का नुकसान करोगी। नुमानी प्लीज प्लीज आप बस कर लो, नहीं तो मैं बाबा को इन्वॉल्व कर लूंगी। खबरदार जो मुझे धमकी दी, डरती नहीं हूँ मैं किसी से इस घर में, समझी तुम? दूसरों की बेटियों की खुशियां खा गई हो तुम, अपने आगे जवान औलाद है। हाँ अपने मगरमच्छ के आंसू अपने भाईजान को जाकर दिखाना। चले अम्मी आप यहाँ से, अम्मी चले चल। जान प्लीज पानी पिए, प्लीज रोना तो बंद करे ना। अम्मी जान आपको मानी की कड़वी बातों को दिल पे मत लिया करें। बेटा इसके लिए मुझे बहुत बहुत बेहिस होना पड़ेगा। देखिए आप तो उन्हें शुरू से जानती हैं ना, वो ऐसी ही हैं। हम कितना ही अच्छा क्यों ना कर लें उनके साथ कभी कुछ नहीं होंगी। ठीक है तुमने, ये उन लोगों में से किन के लिए जो कुछ करता कभी खुश नहीं होते। अम्मी जान जब आप जानती हैं तो फिर आंसू क्यों बहाती हैं? मैं उनकी हर बात सुन लेती, चुप रहती, सह लेती। मैंने तो कभी भी बहस नहीं की। लेकिन ना जाने कभी दिल बहुत ही दुखी हो जाता है, ना चाहते हुए भी आंसू रुक नहीं पाते। कभी कभी रो लेना चाहिए, इससे दिल हल्का होता है। मैं सोचती जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है पता नहीं अल्लाह की आजमाइश है या अजाब। जी अम्मी आजमाइश है, जैसे अबू की डेथ हमारे लिए आजमाइश थी। हाँ यही सोचकर मैं अपना दिल बहला लेती हूँ, अल्लाह के हर काम के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत जरूर होती। मसलन जैसे हमारे से तुम्हारी शादी ना होना।
पर बेटा, हमारे से तुम्हारी शादी हो जाती तो भाभी और नशीन ने तुम्हें बहुत तकलीफ देनी थी। उन्हें कभी तुम्हें खुश नहीं रहने देना था बेटा। अब तो तू बेटा अल्लाह से बस मैं एक ही दुआ करती हूँ, बहुत जल्द तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता आ जाए। और बेटा तू तू यहाँ से चली जाए, बहुत दूर चली जाए, इतनी दूर के इनके ख्यालों में भी तुम कभी ना हो। जैद, सॉरी डैड, वो देखा नहीं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे सुबह से तुम? यूनिवर्सिटी, और फिर कुछ दोस्तों के साथ प्लान था इसलिए आते थोड़ी देर हो गई। पता नहीं तुम बड़े कब हो गए यार, कब समझदार हो गए। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं? यही तो मसला है तुम्हारा, तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। डैड आप मुझे बताएं तो, कोई बात हुई है क्या? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब तुम दिन भर तफरी करके घर वापस आओ रात को, तो मैं तुम्हें पूरे दिन की रिपोर्ट दूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं डैड, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तुम्हें गलती पे। नहीं डैड, आप, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे मसला तो बताएं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर के सारे मसाइल को खुद देखो। जिस दिन तुम अपने घर वालों के मसाइल में इंटरेस्ट लोगे ना, तो फिर सारे मसले तुम्हें खुद ही पता चल जाएंगे। पता नहीं कब तक ये नवाबों की तरह जीते रहोगे तुम, फुर्सत नहीं तुम्हें। तुम जानते भी हो तुम्हारा बड़ा भाई धोखा दे के हमें जा चुका है। बेटा शादी तो आखिर करनी है ना, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो आप जोया की करवा दें। कभी पूछा तुमने नौशीन से कहाँ जाती है, कब जाती है, क्यों जाती है? तुम्हें अपने सिवा किसी और चीज की फुर्सत ही नहीं है। कल को शादी होगी तुम्हारी, कैसे चलेगा सब कुछ, कैसे मैनेज करोगे तुम? होश के नाखून लो, होश के, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। गुड नाइट। यार घर में इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। देखो जैद, मैं तुम्हें बताने वाली थी मगर। यार बताने वाली थी का क्या मतलब होता है आयमा? मैंने तुम्हें कितनी दफा पूछा कि प्लीज मुझे बताओ, क्या कोई मसला है? ये छोटी बात नहीं थी। देखो आयमा, हमारे बीच में सीक्रेट्स थोड़ी, बता देती यार जो भी बात थी। तुम्हें पता है डैड ने मेरी कितनी क्लास लगाई है? अभी एक ताना मुझे हजम नहीं हो रहा था कि वो दूसरा तैयार करके बैठे हुए। अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी, सब तुम्हारी वजह से। शायद तुम उस वक्त यूनिवर्सिटी जा रहे थे, मैं उस वक्त ये बात करके तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कौन सा सुन के गुस्से से पागल हो जाना था यार, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता तो चलता कि घर में क्या चल रहा है। तुम्हें पता है इस हिसाब से डैड का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मेरी बहन रातों को घर से बाहर होती है और मुझे होश ही नहीं। मैंने सोचा था कि बाबा के आने से पहले पहले मैं तुम्हें सब बता दूंगी। जैद तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें नौशीन के बारे में नहीं बता सकती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझे अपना राजदार बना के गई थी। What? हाँ, मैंने इसीलिए ही नहीं बताया था तुम्हें, क्योंकि उसने दोस्ती के नाम पे मुझसे फेवर मांगी थी। रात भर मैं नौशीन की वजह से जागती रही हूँ,
फिर अम्मी की तबीयत खराब होगी, मैं रात भर से जाग रही हूँ। आई एम सॉरी अम्मा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में तुम भी कसूरवार हो। क्या? क्योंकि तुमने तो साथ दिया उसका घर से बाहर जाने में। जैद, मैंने उसे वार्न किया था कि वो गलत कर रही है। 2 साल बड़ी हो तुम आयमा उससे, वार्न क्या होता है यार, मना कर देती और अगर वो ना मानती फिर मुझे बताती आके। और उस दोस्ती का क्या जो बाबा ने मुझे उससे करने को बोला था? उसकी सेफ्टी सबसे जरूरी है, और इमेजिन कि अगर उसे कुछ हो जाता तो इसका कौन कसूरवार था, कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाना था। जैद, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। We're supposed to be best friends, यार। कोई भी बात हो प्लीज मुझसे शेयर कर लिया करो, ओके? तुम प्लीज सो जाओ, मैं पुप्पो का ख्याल रख लूंगा। थैंक यू। वो बाजी, एंड ऑफ द डे जब शादी करनी ही ठहरी तो उस लड़के के घर वालों से बात करें ना जिसमें नौशीन इंटरेस्टेड है। मुझे नहीं पता, बस असमत तो मेरा गला ही घोंट देंगे। आखिर इसमें बुराई क्या है? सब बातों का मुझे नहीं पता, बस तुम मेरा एक काम कर दो, मैं चाह रही हूँ तुम नौशीन के लिए जल्दी जल्दी कोई अच्छा सा रिश्ता ले, और इससे पहले कि इसके डैड किसी खेरे के साथ इसकी शादी कर दे। अंबर, ठीक है बाजी, मैं कोई अच्छा सा रिश्ता, कोई अच्छा ऑप्शन देखती हूँ नौशीन के लिए। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची की शादी के बाद की जिंदगी सख्तियों में गुजरे। मैंने आपसे कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नौशीन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूँ। आखिर हमारी नौशीन में कमी किस बात की है? हाँ प्लीज तुम जल्दी से मेरा ये काम कर दो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी कोई शादी वाली। नौशीन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? बेटा, शादी तो आखिर करनी है ना, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो आप जोया की करवा दें, और आप हर किसी के साथ अपने घर के पर्सनल इश्यूज लेके मत बैठ जाए करें। स्टॉप इट नौशीन, जाओ यहां से। आई सेड जस्ट गो, जस्ट गो। सॉरी अंबर, बस कल से इसके दिमाग पर कोई भूत चढ़ा हुआ है, माइंड नहीं करना। अल्लाह से बस मैं एक ही दुआ करती हूँ, बहुत जल्द तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता आ जाए, और बेटा तू यहां से चली जाए। मैं तुम्हें पसंद हूं क्या? नहीं, अब एक तुम ही तो हो जिसे मैं पसंद करती हूं। सच? हाँ। क्यों? अब क्योंकि तुम मेरे बहुत ज्यादा जिद्दी, सड़ू और पागल दोस्तों। Thank you.
लड़कों की तस्वीरें हैं और इस दफा कोई बहाना नहीं चलेगा। मॉम आज आप दिखाई दें। आखिर मुझे भी तो पता चले कौन है वो बदनसीब जो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मॉम ये क्या है? क्या मतलब क्या है? लड़का है? आप इसको देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉडलिंग के लिए पिक्चर्स भेजी हैं अपनी। चलो अच्छा है ना, जोड़ी अच्छी रहेगी। प्लीज मॉम। अच्छा क्या कर ये आप ये लड़कों का जुम्मा बाजार क्यों निकाल दिया आपने? बहुत नखरे हैं तुम्हारे। अच्छा अच्छा मैं देखती हूँ। रिजेक्ट। सोया एक निगाह में देखती है रिजेक्टेड। मॉम मेरे पास आंखें हैं और मैं देख सकती हूँ। अच्छा खैर छोड़े आप मुझे और नमूने। और लड़के बस तुम रहना दो, तुम्हें देखनी ही नहीं है। तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ये सब कर रही हो। ऐसा नहीं है। हाँ मैं आपकी खुशी के लिए शादी कर रही हूँ। खैर आप मुझे और दिखाएं ठीक है। This one seems fit. शुक्र है वही तो समझ आया तुम। मॉम ये दोनों बेहतर हैं। हाँ लेकिन ये देखो ये वाला नहीं देखूँ, ये मीडिया से और आई थिंक डायरेक्टर है। तो ये कि पैशन का पैशन तुम भी फॉलो कर सकती हो। मॉम जोया किसी की पर्ची नहीं बनना चाहती और आप ज्यादा खुश मत होए, मैं सिर्फ ये तस्वीरें देख रही हूँ। मैंने 3 दफा कबूल है नहीं कहा। तो बेटा कबूले की शुरुआत तो यहीं से होती है ना। मैं ऐसा करती हूँ इन तीनों लड़कों की डिटेल्स निकलवा कर तुम्हें फिर बता। मॉम आपको किसी से भी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इन तीनों का नाम तो पता है ना। मुझे मसला पसंद की शादी से बिल्कुल भी नहीं है, उस लड़की की पसंद से है। वो एक नंबर का ओबाश लड़का। पीछे लिखा है ना ये आजम शाह। आजम शाह। बस अभी आप रुके, इनके कारनामे में 2 सेकंड में पता लगवा दूं। मॉम इसको तो सेल्फी भी नहीं लेना आती। क्या फजूल काम करने लगी हो तुम, ऊपर से डॉक्टर भी है। तो क्या हुआ? और ऊपर से इंजीनियर भी है। इसने कितनी घटिया पोस्ट शेयर की है और जो पेजेस इसने लाइक किए वो तो मैं कभी देखूं भी ना। बहुत ही दुखी आत्मा है कोई। सोया ये क्या फजूल काम करने लगी हो, क्या देख रही हो? मॉम यही इंफॉर्मेशन सही होती है, वरना रिश्ते वाली आंटियों से बात करें तो वो तो लड़के को फरिश्ता बना के बिठा देती हैं सामने। मॉम इसका तो ब्रेकअप हुए 4 महीने पहले। थैंक यू सो मच, आपने मेरी लाइफ में एक एंटरटेनमेंट दे दी। सोया एक तो छोड़ दो, इधर दो मुझे। तैयार।
नौशीन, अब ये क्या कर रही हो तुम? यार मेरी बहुत तबीयत डाउन हो रही है, अगर मैं ये नहीं पीती ना तो मैं यहाँ गिर जाती। ये मैंने अम्मी के लिए बनाया था ताकि उनका बीपी ठीक रहे। तो क्या हो गया यार, कह तो रही हूँ कि मेरा भी बीपी लो हो रहा है। नौशीन तुम अपने लिए खुद भी बना सकती थी। इस घर में रह रहे के बीमार हो गई हूँ वो की तरह। अगर मैं ये नहीं पीती ना तो गिर जाती, और मेरे तो कोई इतनी केयर भी नहीं करता कि अगर मैं गिर जाऊँ तो मुझे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले जाए। वैसे अगर मैं बीमार ना होती ना तो इससे अच्छा बना लेती। ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? यही कि जब मैं कॉलेज जाती थी तो वो दिन तुम्हारे लिए बेहतर थे। गलती तुम्हारी खुद की थी, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम सारा गुस्सा मेरे पर उतार दो। सुनो, पप्पो को दूसरा जूस बना देना, अब वो मेरा झूठा तो पीने से रही। और इस घर में बहुत सी चीज़ें हैं, घर के लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए, और जूसर भी है, और बिजली से चलने वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकती हो क्योंकि उसका बिल तो डैड ने भरा हुआ है। पता नहीं तुम्हें ये सब करके कैसे सुकून मिल जाता है। कितनी मासूम हो तुम्हारी माँ, इतनी सी बात पे हंसू निकला है। अभी तो नौशीन बस शुरू ही है। इससे इतना भी बुरा नहीं। सुनिए, सो मच चाहिएगा, मैंने चाय बनवाई आपके लिए। बन जाए तो मुझे जगा देना। सुने? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप नौशीन पर बहुत गुस्सा हैं, पर आप ये भी तो देखें ना कि उसकी अभी कच्ची उम्र। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, उस लड़की को मैं बिल्कुल माफ नहीं करूँगा। अच्छा आप ये बताएं, क्या वाकई उसकी शादी कर देना चाहते हैं? क्यों, तुम्हें क्या लग रहा, मजाक कर रहा हूँ मैं? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आप उसको डराने के लिए बोल रहे हो। अगर वो डरने वालों में ऐसी होती ना तो पहले माफी के बाद ही सुधर चुकी होती। देखिए, जो बात मैं आप करने वाली हूँ ना, इसको आप ठंडे दिमाग से सुनिएगा। देखिए, आजकल का दौर बहुत तेज है, हम कब तक सच से आंखें चुराएंगे? आजकल के लड़के और लड़कियाँ बहुत डिपेंडेंट हैं। सीधा मुद्दे पे आओ तुम हमारे पास। मैं कहना चाह रही थी कि जिस लड़के से नौशीन मिलती है, अगर उसके पेरेंट्स को हम बुलवा कर मिलने तो? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठंडे जहन से सोचे तो। मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी अक्ल पे पत्थर पड़ गए। बस जब रिश्ता करना ठहरा तो बस वहाँ ही कर लेते ना जहाँ रोशन की पसंद है। मुझे मसला पसंद की शादी से बिल्कुल भी नहीं है, उस लड़की की पसंद से है। वो एक नंबर का ओबाश लड़का। ये सब आप बगैर किसी को मिले, बगैर किसी को देखे कैसे कह सकते हैं अजमत? दुनिया देखी है मैंने, जिन लड़कों को लड़कियों से शादी करनी होती है ना, वो उन्हें इज्जतदार तरीके से ब्याह के लेकर जाते हैं, प्रपोजल भेजते हैं उनके लिए। इस तरह आधी रात को घुमाते फिराते नहीं है। जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई हो वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं हो सकता, समझी तुम? तो टुके का आदमी है वो, मेरी बच्ची को आधी रात मालूम नहीं वो कहां लेकर गया, झूठ बोल के वरगला के। और तुम चाहती हो कि मैं उस लड़के को दामाद बना लूं? इस लड़के को तो मैं अपनी कंपनी का मामूली सा मुलाजिम भी ना रख। लोफर इंसान। अब क्या सोच रही हो तुम? मैं ये सोच रही थी कि नौशीन इतनी आसानी से मानेगी नहीं। तो तुम कैसी माँ हो, समझाओ ना अपनी औलाद को कि उसके लिए क्या बेहतर है। उसकी पढ़ाई भी बीच में ही रुक गई है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दो। देखो, बेहतर यही है कि नौशीन की शादी जल्द अज जल्द करवा दी जाए, इससे पहले कि वो हमारा नाम मजीद रोशन करे। तुम्हारे बड़े साहबजादे की तरह।
हाय माँ। यार इधर तो देखो, कौन सी वाली? कोई भी नहीं यार। जैद तुम मुझे कहोगे आयमा कोई शर्ट चूज करो, जब मैं तुम्हें बताऊंगी ये वाली पहन लो, फिर तुम मुझे कहोगे आयमा मुझे इस्त्री कर दो। लगता है इस बार कोई और ट्रिक सोचनी पड़ेगी। जैद प्लीज तुम जाओ ना, मुझे बहुत सारा काम है, तंग मत करो। यार आयमा तुम्हें तो पता है ना यार, मुझे सिर्फ तुम्हारी ही इस्त्री पसंद है, तुम्हारे सामने तो ड्राई क्लीन भी कुछ नहीं। कर दो ना। तुम्हें पता है ज्यादा मक्खन लगाने से ना जायका भी खराब हो जाता है। अच्छा ना यार प्लीज, आज लास्ट टाइम, बस आज आखिरी बार कर दो, आज जरा स्पेशल दिन है, डेट पे जा रहा हूं आपकी भाभी के साथ। क्या जोए ने नहीं बताया तुझे? वैसे एक बात बताना सच्चे दिल से। तुम्हें भी किंजा बुरी लगती है? अब नहीं तो नहीं, मुझे लगा क्योंकि जोया को भी कोई खास पसंद नहीं वो, और ये उसका नाम आते ही तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बच जाते हैं? नहीं तो अब ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो ना तो मुझे अच्छी लगती है और ना ही बुरी लगती है। ये तो बड़ा सियासी जवाब है। चलो खैर फिर यही बता दो कि वो और मैं एक साथ कैसे लगते हैं। हाँ ठीक। यार आयमा डिटेल में बताओ ना, ये क्या होता है? जैद मैं क्या बताऊं यार? अच्छा ये बताओ ना कि हमारी केमिस्ट्री कैसी लगती है, यू नो एज अ कपल। तुमसे इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि प्यार करने वालों को तो सब कुछ ही ठीक लग रहा होता है, इसलिए बाजुकात एक आउटसाइडर का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आउटसाइडर? अरे मेरा मतलब है मेरा और किंजा का जो लव सर्कल है उसके तो बाहर ही हो ना तुम, इसलिए आउटसाइडर। अच्छा क्या? अच्छा भाई राय दो ना यार, अपनी सीरियसली पूछ रहा हूँ। जैद तुम्हारा जो भी दिल करता है तुम करो। सारा मामला ही तो इस कमबख्त दिल का है। जैद तुम अब जाओ ड्रामे ना। ये ड्रामे नहीं है मेरी जान, तुम्हें कभी किसी से इश्क हुआ हो तो तुम्हें पता चले कि इश्क क्या मर्ज है, अंधा कर देती है इंसान को, बिल्कुल अंधा। पूछो कैसे? कैसे बताता हूँ, बताता हूँ। ऐसे समझ नहीं आता कि जैद ने किंजा में देखा क्या, वही मिली थी इश्क लड़ाने के लिए। बहुत जहर लगती है मुझे, पता नहीं उसने उसमें क्या देख लिया। जोया मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, यहाँ डैड वाले रिश्ते भी आने दे रही हैं, वहाँ खाला को भी कहा हुआ है कि मेरे लिए रिश्ते देखे। जैद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ।